जब से इस सृष्टि का निर्माण हुआ है, मनुष्य के मन में बार बार एक प्रश्न पहेली की तरह उठता है कि हमारे जीवन में कर्म का महत्व ज्यादा है या भाग्य का। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, लेकिन दूसरी ओर पांडवों की मां माता कुंती कहती हैं कि हे केशव, हे कृष्ण, मैंने माना कि जीवन में कर्म का बड़ा महत्व है, लेकिन यदि भाग्य साथ न दे तो जीवन में बड़े बड़े कार्य जो हैं वो निष्फल हो जाते हैं। ऐसा क्यों? जब व्यक्ति के ग्रह अनुकूल होते हैं तो व्यक्ति थोड़े से परिश्रम से ही बहुत कुछ पा लेता है, और जब ग्रह प्रतिकूल होते हैं तो कठोर परिश्रम भी काम नहीं आता। ये प्रतिकूल ग्रहों का ही दुष्प्रभाव था कि श्री राम, जिन्हें अयोध्यापति होना चाहिए था, वे 14 वर्षों तक माता सीता और लक्ष्मण सहित वन वन भटकने पर विवश हुए। जब ग्रह अनुकूल होते हैं तो मनुष्य को धन संपत्ति, सुख संपदा, यश और कीर्ति की प्राप्ति होती है, और जब प्रतिकूल होते हैं तब दरिद्रता और दुर्भाग्य मिलता है। परंतु यदि हम अपनी राशि के रत्नों का प्रयोग करें तो मनुष्य अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकता है, और दरिद्र भी धनवान बन सकता है। टेलीविजन आपके लिए लेकर आए हैं दिव्य राशि रत्न पेंडेंट और रिंग्स, जो प्रतिकूल ग्रहों के प्रभाव को कम करके आपके अनुकूल ग्रहों के प्रभाव में वृद्धि करके आपके जीवन में सुख सुविधा, धन संपत्ति, स्वास्थ्य और संपन्नता प्रदान करते हैं। शुरुआत करते हैं पहली राशि से, जिनका जन्म 21 मार्च से 20 अप्रैल के बीच हुआ है। उनकी राशि है मेष, यानी एरिस। मेष राशि के व्यक्तियों में नेतृत्व का स्वाभाविक गुण होता है। उन्हें नाल रत्न मूंगा अर्थात कोरल धारण करना चाहिए। मूंगा धारण करने पर इनके भाग्य में वृद्धि होती है और इनके सभी कार्य सिद्ध होते हैं। 5.25 रत्ती मूंगा की अंगूठी का मूल्य है मात्र 2100 रुपए। 7.25 रत्ती मूंगा की अंगूठी का मूल्य है मात्र 3100 रुपए। जिनका जन्म 21 अप्रैल से 20 मई के बीच हुआ है, उनकी राशि है वृषभ, यानी टॉरस। वृषभ का ग्रह स्वामी शुक्र होता है। वृषभ राशि के व्यक्ति बहुत ही विनम्र होते हैं और डाउन टू अर्थ होते हैं। वृष राशि के जातकों को अमेरिकन डायमंड धारण करना चाहिए। अमेरिकन डायमंड की अंगूठी का मूल्य है केवल 1500 रुपए। तीसरी राशि है जेमिनी, यानी मिथुन। जिनका जन्म 21 मई से 21 जून के बीच हुआ है, उनका ग्रह स्वामी होता है बुध। मिथुन राशि के व्यक्ति अत्यंत बुद्धिमान होते हैं, विचारों से भरपूर होते हैं और बातें करना पसंद करते हैं। मिथुन राशि के व्यक्तियों को एमरल्ड, यानी पन्ना धारण करना चाहिए। 5.25 रत्ती पन्ना जड़ित अंगूठी का मूल्य है मात्र 3100 रुपए। 7.75 रत्ती पन्ना जड़ित अंगूठी का मूल्य है मात्र 5100 रुपए। पन्ना का सब्स्टिट्यूट ओनिक्स है, इसलिए मिथुन राशि वाले ओनिक्स भी धारण कर सकते हैं। 5.25 रत्ती ओनिक्स की अंगूठी का मूल्य है केवल 1500 रुपए, और 7.75 रत्ती अंगूठी का मूल्य है केवल 2100 रुपए। किसी भी बिजनेस में जाने से पहले उस बिजनेस का एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। यही सोचकर मैंने एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी में एज एन इंजीनियर 8 साल तक काम किया। उसके बाद फिर एक दूसरी कंपनी में एज ए जनरल मैनेजर 2 साल तक काम किया, और इस प्रकार अपने 10 साल के एक्सपीरियंस के बाद फिर मैंने अपनी खुद की एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स बनाने की कंपनी शुरू किया। लेकिन वही बैलेंस शीट पर नो प्रॉफिट, लॉस पे लॉस, लॉस पे लॉस। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। फिर किसी ने मुझे राशि रत्न अपनाने के लिए कहा। मैंने सोचा कि लॉस तो हो ही रहा है, एक बार ट्राई करने में क्या हर्ज है। यही सोचकर मैंने राशि रत्न अपना लिया। बस राशि रत्न धारण करने के 2 हफ्ते बाद ही मेरी कंपनी को एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला। जिनका जन्म 22 जून और 22 जुलाई के बीच हुआ है,
उनकी राशि है कैंसर यानी कर्क। इनका ग्रह स्वामी होता है चंद्र। इस राशि के व्यक्ति पक्के देशभक्त, कला प्रेमी और सृजनशील होते हैं। कर्क राशि के लोगों को मोती अर्थात पर्ल धारण करना चाहिए। मोती जड़ित अंगूठी का मूल्य है मात्र 1100 रुपए। पांचवी राशि है सिंह यानी लियो। जिनका जन्म 23 जुलाई से 23 अगस्त के बीच हुआ है उनकी राशि लियो अर्थात सिंह है। सिंह राशि का ग्रह स्वामी सूर्य है। सिंह राशि के व्यक्तियों को माणिक अर्थात रूबी धारण करना चाहिए। सिंह राशि के लोग स्वाभिमानी, गर्वीले और आत्मविश्वासी होते हैं। 5.25 रत्ती माणिक की अंगूठी का मूल्य है केवल 2100 रुपए और 7.25 रत्ती माणिक की अंगूठी का मूल्य है 3100 रुपए। मेरे पति का बिजनेस बहुत सरस होता था मगर अचानक से उसमें लॉस होने लगा। घर के सारे लोग मुझे को कोसते, मैं घुट घुट के जीने लगी थी। फिर अचानक से एक दिन मैंने टीवी पर टेली वन का राशि रत्न का प्रोग्राम देखा और तब मुझे ऐसे लगा कि क्यों ना मैं भी अपने जोड़ियक साइन वाला एक जेम लेके आऊं। मैंने तुरंत ही टेली वन को फोन किया और मेरे जोड़ियक साइन का एक जेम मंगाया। और अब यकीन नहीं करोगे, धीरे धीरे सब कुछ बदलते गया। घर के सारे लोग मुझसे बहुत प्यार से रहने लगे। मेरे पति और मुझ में जो अनबन थे वो बस खत्म होने लगे। और आपको पता है मेरे पति का बिजनेस भी बहुत बहुत फ्लरिश होने लगा। थैंक्स टू टेली वन का राशि रत्न। जिनका जन्म 24 अगस्त और 23 सितंबर के बीच हुआ है उनकी राशि है वर्गो यानी कन्या। इनका ग्रह स्वामी होता है बुध। कन्या राशि में जन्म लेने वाले बहुत ही प्रैक्टिकल और कूल माइंड के लोग होते हैं। कन्या राशि के लोगों को पन्ना अर्थात एमरल्ड पहनना चाहिए। 5.25 रत्ती पन्ना जड़ित अंगूठी का मूल्य है मात्र 3100 रुपए। 7.75 रत्ती पन्ना जड़ित अंगूठी का मूल्य है मात्र 5100 रुपए। पन्ना का सब्स्टिट्यूट ओनिक्स है, इसलिए कन्या राशि वाले ओनिक्स भी धारण कर सकते हैं। 5.25 रत्ती ओनिक्स की अंगूठी का मूल्य है केवल 1500 रुपए और 7.75 रत्ती अंगूठी का मूल्य है केवल 2100 रुपए। सातवीं राशि है लिब्रा यानी तुला। इस राशि का ग्रह स्वामी शुक्र है। तुला राशि के व्यक्ति सबसे आकर्षक होते हैं और जीवन में हमेशा संतुलन चाहते हैं। जिनका जन्म 24 सितंबर से 23 अक्टूबर के बीच हुआ है उन्हें ज़िरकॉन रत्न पहनना चाहिए। 5.25 रत्ती ओपल की अंगूठी का मूल्य है केवल 2100 रुपए और 7.75 रत्ती ओपल की अंगूठी का मूल्य है केवल 3100 रुपए। ओपल का सब्स्टिट्यूट अमेरिकन डायमंड है, इसलिए तुला राशि वाले अमेरिकन डायमंड भी धारण कर सकते हैं। अमेरिकन डायमंड की अंगूठी का मूल्य है केवल 1500 रुपए। जिनका जन्म अक्टूबर 24 से लेकर नवंबर 22 के बीच में हुआ है उनकी राशि है स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक। इनका ग्रह स्वामी मंगल होता है। वृश्चिक राशि के व्यक्ति बुद्धिमान और ऊर्जा से भरे होते हैं। वृश्चिक राशि के व्यक्तियों को कोरल यानी मूंगा धारण करना चाहिए। 5.25 रत्ती मूंगा जड़ित अंगूठी का मूल्य है केवल 2100 रुपए और 7.75 रत्ती मूंगा जड़ित अंगूठी का मूल्य है मात्र 3100 रुपए। नौवीं राशि है सजिटेरियस यानी धनु। इस राशि का ग्रह स्वामी बृहस्पति है। ये ज्ञानी और बुद्धिमान होते हैं। धनु राशि के व्यक्ति न्यायप्रिय और आशावादी भी होते हैं। धनु राशि के व्यक्ति जिनका जन्म 23 नवंबर से 21 दिसंबर के बीच हुआ है उन्हें गोल्डन टोपैज धारण करना चाहिए। गोल्डन टोपैज की अंगूठी का मूल्य है केवल 2100 रुपए। धनु राशि वाले पुखराज भी धारण कर सकते हैं। 5.25 रत्ती पुखराज की अंगूठी का मूल्य है केवल 5100 रुपए और 7.75 रत्ती अंगूठी का मूल्य है केवल 7100 रुपए। जिनका जन्म 22 दिसंबर से 21 जनवरी के बीच हुआ है उनकी राशि है कैप्रिकॉन अर्थात मकर। मकर राशि का ग्रह स्वामी है शनि। इस राशि के व्यक्ति कठोर परिश्रम में विश्वास करते हैं। किसी भी क्षेत्र में हो एक दिन शीर्ष पर पहुंचते हैं।
मकर राशि के व्यक्ति भरोसेमंद और महत्वाकांक्षी भी होते हैं। इन्हें एमेथिस्ट धारण करना चाहिए। एमेथिस्ट जड़ित अंगूठी का मूल्य है मात्र 2100 रुपए। मकर राशि वाले नीलम भी धारण कर सकते हैं। 5.25 रत्ती नीलम की अंगूठी का मूल्य है केवल 5100 रुपए और 7.25 रत्ती अंगूठी का मूल्य है केवल 7100 रुपए। 11वीं राशि है अक्वेरियस यानी कुंभ, जिनका जन्म 22 जनवरी से फरवरी 19 के बीच हुआ है। इस राशि का ग्रह स्वामी है शनि। कुंभ राशि के व्यक्ति मानवतावादी होते हैं, ये दूरदृष्टि रखने वाले होते हैं और अपने साथ साथ सभी की उन्नति और खुशहाली चाहते हैं। कुंभ राशि के व्यक्तियों को एमेथिस्ट पहनना चाहिए। एमेथिस्ट की अंगूठी का मूल्य है मात्र 2100 रुपए। कुंभ राशि वाले नीलम भी धारण कर सकते हैं। 5.25 रत्ती नीलम की अंगूठी का मूल्य है केवल 5100 रुपए और 7.25 रत्ती अंगूठी का मूल्य है केवल 7100 रुपए। जिनका जन्म 20 फरवरी से 20 मार्च के बीच हुआ है उनकी राशि है पाइसिस यानी मीन। मीन राशि का ग्रह स्वामी बृहस्पति है। मीन राशि के व्यक्ति किसी का नुकसान नहीं चाहते और सभी के साथ सहानुभूति रखते हैं। मीन राशि के व्यक्तियों को गोल्डन टोपैज धारण करना चाहिए। गोल्डन टोपैज की अंगूठी का मूल्य है मात्र 2100 रुपए। एक बात मैं आपको विशेष तौर पर बताना चाहता हूँ, बहुत से व्यक्तियों को अपनी जन्म तिथि का पता नहीं है, उन्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। जिन्हें अपनी राशि का नहीं पता है वे गोल्डन टोपैज पेंडेंट या रिंग धारण कर सकते हैं। गोल्डन टोपैज सभी राशियों के अनुकूल है और सभी ग्रहों के दोष निवारण में सक्षम है। गोल्डन टोपैज की अंगूठी का मूल्य है केवल 2100 रुपए। हम आपको रत्न के साथ इन्हें धारण करने की मांगलिक विधि भी भेजते हैं ताकि सर्वथा शानदार परिणाम आपके हित में हो। जब आप अपनी राशि के अनुसार कोई रत्न धारण करते हैं तो इसका सकारात्मक प्रभाव आप पर अवश्य पड़ता है, क्योंकि आपकी राशि का रत्न हानि पहुंचाने वाले ग्रहों के दुष्प्रभावों को समाप्त करके लाभ पहुंचाने वाले ग्रहों के प्रभाव में वृद्धि करता है। रत्न आपकी सभी आर्थिक और शारीरिक समस्याओं का समाधान करने में सक्षम होते हैं। आज रत्नों की बढ़ती लोकप्रियता और मांग को देखते हुए धारक को ध्यान रखना चाहिए जो भी रत्न पहना जाए वो असली हो और मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित किया गया हो, परंतु प्रायः ऐसा नहीं होता। इसलिए मैं आपको टेलीवन के ही राशि रत्न पहनने का परामर्श देता हूं। इसके कई कारण हैं। पहला कारण यह है कि टेलीवन के सभी रत्न मंत्रोच्चारण द्वारा अभिमंत्रित करके शुद्ध और पवित्र किए जाते हैं। दूसरा कारण यह है कि यह पूर्णतया शुद्ध और ओरिजिनल है। इसके लिए टेलीवन आपको शुद्धता का प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेट ऑफ ऑथेंटिसिटी भी देते हैं। तीसरा कारण है इन्हें पंच धातु में जड़ित किया जाता है जिनका प्रयोग अत्यंत शुभ माना गया है। चौथा कारण है कि इन्हें पिरामिड के बीच रखा गया है जिससे इनकी शक्ति और ऊर्जा में वृद्धि होती है और इनका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। आपके जीवन की समस्त आर्थिक और शारीरिक समस्याएं समाप्त हों, उन्नति के मार्ग में आने वाली विघ्न बाधाएं दूर हों और शीघ्रता शीघ्र आप सुख संपत्ति सफलता ख्याति यश और कीर्ति पाए, इसी मनोकामना के साथ टेलीवन की ओर से अनूप जरोटा का नमस्कार। आप अपना ऑर्डर किसी भी क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं। हमारे साथ की गई सभी ट्रांजेक्शन्स 100% सिक्योर्ड होती हैं। क्रेडिट कार्ड से ऑर्डर करने के लिए लॉग ऑन करें www.tele1.in। आप SMS द्वारा भी ऑर्डर कर सकते हैं। ऑर्डर करने के लिए टाइप करें TS space 5 और इसे भेजें 53030 पर। आप देश के किसी भी गांव या शहर से फ्री में फोन करके भी अपना ऑर्डर कर सकते हैं।